धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे और ये तानाशाही रवैया नहीं चलेगा। युवाओं के हक के साथ लगातार कुठाराघात किया जा रहा है। इस देश में कोई परीक्षा होने से पहले उत्तर और पेपर दोनों लीक हो जा रहे हैं। राहुल गांधी के सिपाही हैं और बताना चाहते हैं कि जब तक आम छात्रों का उत्पीड़न होता रहेगा, युवा कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता चैन से बचने वाला नहीं है। तो बता, भारतीय जनता पार्टी के नीतियों में लीक है, परीक्षाओं में लीक है, हर जगह लीक है। सरकार आज गुमराह प्रशासन को हमें बताना था कि यूथ कांग्रेस के लोग कमजोर नहीं है। लखनऊ कांग्रेस दफ्तर के बाहर नेताओं कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। नीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर धरना प्रदर्शन। यूथ कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। विधानसभा जा रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका। बैरिकेडिंग लगाकर कांग्रेसी नेताओं को पुलिस ने रोका। बड़ी संख्या में नेता कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी एक्सप्रेस, मैं हूं आपके साथ अंकुश शाह। आज कांग्रेस पार्टी का नीट पेपर लीक को लेकर के कांग्रेस कार्यालय से लेकर के विधानसभा घेराव करने को लेकर के विरोध प्रदर्शन भारी मात्रा में देखने को मिल रहा है। आप देखना चाहेंगे कि यहाँ पर जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो भारी मात्रा में मौजूद हुए हैं और पुलिस प्रशासन की बात करें तो काफी सुरक्षा दृष्टि काफी भारी मात्रा पे मौजूद की गई है और यहाँ पे एसपी से लेकर के एडीसीपी वगैरह सभी लोग और काफी जोन के यहाँ पे पुलिस भी इस वक्त मौजूद है और कांग्रेस पार्टी कार्यालय करता है वो भारी मात्रा पे यहाँ पेपर को लेकर के लगातार मोदी योगी के विरोध में नारे प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं बैनर पोस्टरों में जिस तरीके से युवाओं के भविष्य को कैसे ठीक हो रहा पेपर लीक को लगातार कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं के जो विरोध प्रदर्शन है वो लोग करते हुए नजर आ रहे हैं और भारी गर्मजोशी के साथ ही साथ यहाँ पर ये लोग विरोध प्रदर्शन करते और साथ ही साथ पे यहाँ पे आप देखना चाहेंगे तो जो कार्यकर्ता है बैरिकेडिंग लगभग लगता है कि कुछ ही क्षण में ये लोग पार भी कर लेंगे और जिस तरीके से भारी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है उस हिसाब से काम करने को मिल रहा है। ना चाहेंगे जरा हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से क्या कुछ कहना चाहेंगे। धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे और ये तानाशाही रवैया नहीं चलेगा। नहीं लीडर नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जनता डर वाला काम कर रहे हैं। आज युवाओं को बेरोजगारों के हक में कोई फैसला नहीं हो रहा है। ये तानाशाही रवैया भारतीय जनता पार्टी का जनता देख रही है और सूबे की सरकार और केंद्रीय सरकार को इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि जितना अत्याचार इतनी टाइम पर किया जा रहा है इतना तो जनता डर के टाइम पे किया जाता था। और हम लोग पहले गोरों से लड़े थे, अब इन चोरों से लड़ेंगे। हम ना तो राम गोडसे के वंशज नहीं है, हम गांधी के वंशज हैं। हम लड़ते रहेंगे और जितना दबंग करने की आवाज कहेंगे उससे ज्यादा तेज हमारी आवाज उठेगी। यहाँ पे जो देख सकते हैं कि जो प्रदर्शन है वो भारी जोरों मात्रा पे है। कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद है पूरे जोश के साथ, लगता है कि लगभग बैरिकेडिंग की आधी मौजूद हो चुके हैं और यहाँ पे जरा हम बात करने की कोशिश भी करेंगे कार्यकर्ताओं से कि किस प्रकार से लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे। जिस प्रकार से युवाओं के हक के साथ लगातार कुठाराघात किया जा रहा है। इस देश में कोई परीक्षा होने से पहले उत्तर और पेपर दोनों लीक हो जा रहे हैं, इसलिए युवा कांग्रेस आम जनमानस आम छात्रों के हक के लिए प्रतिबद्ध है। हम राहुल गांधी के सिपाही हैं और बताना चाहते हैं कि जब तक आम छात्रों का उत्पीड़न होता रहेगा युवा कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता चैन से बैठने वाला नहीं है। हम लोग लगातार एनटीओ को बैन करने के लिए दिखाना चाहूंगा कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के जो दीपक सिंह नेता है उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और देखिए जिस तरह से ये आज नौजवान उत्तर प्रदेश के यूथ कांग्रेस के लोग जिस तरह से परीक्षा में धांधली हुई है, लोग एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं, नौजवानों का भविष्य अंधकार में है। अगर ये अपनी बात कहने के लिए इस सरकार के पास जाना चाहते हैं, विधानसभा जाना चाहते हैं, पुलिस क्यों रोक रही है? अगर पुलिस ने यही कोशिश की होती परीक्षाओं को लीक होने से रोकने के लिए
आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जिस तरीके से जो बैरिकेडिंग है वो कांग्रेस कार्यकर्ता लगभग लगभग तोड़ते हुए दिखाई दे रहा है और यहाँ हड़ताल मच चुकी है। अभी दृश्य वो साफ तौर पे कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के दफ्तर के बाहर लगातार विधानसभा का घेराव करने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं साथ ही साथ में यहाँ पे नीट पेपर लीक को लेकर के यहाँ पर भारी प्रदर्शन करने का विरोध कर रहे हैं, जहाँ पे भारी मात्रा में पुलिस फोर्स भी है पूरी तरीके से यहाँ पे तैनात हुई है, जहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ता भारी मात्रा में यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और जाके देख सकते हैं पुलिस की बैरिकेडिंग जो है वो भारी मात्रा में यहाँ पे है। एम भैया जी की बेटी IAS बन जाती है और यहाँ एक गरीब छात्र पेपर दे के भी बाहर हो जाता है, ये बहुत दुखद है हम युवाओं के लिए और हम समाज में बैठे युवा से पढ़ रहे कल के भविष्य है उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। आप हमारे पीछे देख रहे होंगे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जो भारी जोरदार प्रदर्शन हो रहा है लीक पेपर के लीक मामले को लेकर के उनका कांग्रेस कार्यालय से लेकर के विधानसभा मार्ग पर जिन्होंने पूरा घेराव था विधानसभा को लेकर के वहाँ पे जो कार्यकर्ताओं को तरीके में लाया जा रहा है वहाँ पे उठा करके उसके बाद उन बसों में पुलिस के जो भारी वाहन है उसमें भरा जा रहा है और जो इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से वो लोग जो है क्या कुछ कहना चाहते हैं। माने जो है जो नीट की परीक्षा हुई है उसमें सिर्फ धामलेबाजी हुई है और मैं धर्मेंद्र प्रधान जी कहता हूँ वो इस्तीफा दे रहे हैं, तत्काल युवाओं की मांग है जो है जितना घोटाला सब कर रहे हैं। आज हम लोग लखनऊ विधानसभा का घेराव किया गया है नीट परीक्षा को लेकर के, जैसा कि आपको पता है भारतीय जनता पार्टी के नीतियों में लीक है परीक्षाओं में लीक है हर जगह लीकेज की सरकार। आज गुमरूर प्रशासन को हमें बताना था कि यूथ कांग्रेस के लोग कमजोर नहीं है। आपने देखा कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी कांग्रेस कार्यालय से लेकर के विधानसभा मार्ग तक का जिस तरीके से घेराव था उसके पूरी तरीके से प्रशासन ने रोकने का काम किया और जो कार्यकर्ता कुछ बचे कुछ उन सबके जीते में भरा जा रहा है और भर करके उनको लेकर के जाएंगे। जिस तरीके से लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है आप इसी से अंदाजा लगा सकते किस तरीके से ऐसी खास रिपोर्ट देखने के लिए।